हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एनटीपीसी के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड आवर सेकेंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी के टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी अलॉन्ग विद इट्स सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड जेवीज इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन जनरेशन एंड सेल ऑफ बल्क पावर टू स्टेट पावर यूटिलिटीज। और भी कई सारे बिजनेसेस हैं इस कंपनी की जो कि प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, एनर्जी ट्रेडिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड कोल माइनिंग। अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली जान सकते हो। कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। 136,190 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 8.17 की पी है। 9.16% है कंपनी की आरओसी एंड 12.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 14.6% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 9.78% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 4.38% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो कंपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। कंपनी बहुत ही सही डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही है एंड ये कंपनी 36.11% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। एंड अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी की लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो दोनों ही काफ़ी कम है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 51,832.74 करोड़। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 5% कम हुई है। अगर इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 37,085 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 5,166 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर मार्च 2021 के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है। अगर फाइनेंशियल या 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट पोस्ट किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो स्लाइटली इंप्रूव हुई है इन FY 2022 क्योंकि कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया है जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बेकार है क्योंकि रिजर्व के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास, मतलब कंपनी के पास ओवरऑल अनकंट्रोल्ड डेट रहने वाली है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 तक कंपनी के पास पॉजिटिव 360 करोड़ के आसपास की कैश फ्लोज मौजूद थी। अभी वो रिड्यूस होकर नेगेटिव 222 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। और अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो पब्लिक से माल उठा गया है इन मार्च क्वार्टर। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.23% के आसपास निकल के आ रही है। अभी कंक्लूशन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फंडामेंटली। तो देखो गाइस, अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है आप लोगों के लिए। बाकी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो एंड लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न इन्वेस्टर हो तो मैं आप लोगों को ये कंपनी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल स्टॉक से एक हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक की जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है वो काफ़ी कम रहता है। तो अगर आप लोग रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करना चाहोगे या फिर रिटर्न के लिए ट्रेड लेना चाहोगे तो ये कंपनी आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है फॉर लॉन्ग टर्म। आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम लोग चेक करते हैं कि कंपनी की टेक्निकल्स कंपनी के बारे में क्या बता रही है एंड कहां पे निकल के आ रही है इस कंपनी की सपोर्ट जोन। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी अभी एक डबल टॉप बना के नीचे गिर रही है एंड इसकी ब्रेकआउट भी हो गया है। तो अभी जहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है उसके सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन है 130 रुपये के आसपास एंड उसकी नेक्स्ट सपोर्ट जोन है ऑलमोस्ट 120 रुपये के आसपास जो कि ये वाला रेंज निकल के आ रहा है। वेट अ सेकंड, मैं इसको मार्क कर देता हूँ।
तो देखो कंपनी जिस हिसाब से गिर रही है एंड मार्केट की जो हालत है वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी 120 रुपये तक की फॉल शो कर सकती है। एंड अगर ये कंपनी आप लोग को 120 रुपये तक की लेवल पे मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया एक एंट्री बन सकती है फॉर लॉन्ग टर्म। और रही बात अगर कंपनी बाई चांस 120 रुपये तक की फॉल शो नहीं करती है तो क्या करना है, तो देखो गाइस अगर 120 रुपये तक की फॉल ये कंपनी नहीं शो करती तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को विद इन अ वीक और टू 130 रुपये के आसपास मिली जाएगी। तो आप लोग 130 रुपये के आसपास पोजीशन प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। लेकिन जो ओवरऑल मार्केट का हाल है एंड जो इस कंपनी की हाल है ना पिछले तीन चार दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हो रही है इस कंपनी में, तो वो देख के तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी डेफिनेटली विद इन 2 वीक्स और 3 ये कंपनी आप लोगों को 120 रुपये के लेवल पे मिली जाएगी। तो आप लोग मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 120 रुपये के लेवल पे एंट्री के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग को एकदम स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहिए तो आप लोग 130 रुपये के लेवल के आसपास भी एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है क्योंकि इसका एक डाउन साइड भी, अगर आप लोग वेट कर दो तो उसका एक डाउन साइड भी है। अगर बाई चांस कंपनी 130 रुपये की जो सपोर्ट है यहाँ से रिवर्सल शो कर देती है तो आप लोगों को बहुत ही महंगे भाव पर खरीदना पड़ सकता है। देखो अगर पहले ही एंट्री ले लेते तो आप लोग को 130 रुपये के आसपास ये कंपनी मिल जाती है, लेकिन अगर बाद में 120 रुपये तक के लिए वेट करते हो एंड ये कंपनी अगर 130 रुपये के लेवल से रिवर्सल शो कर देती है तो आप लोगों को 130 रुपये से भी महंगे भाव पे इसको खरीदना पड़ सकता है। तो अगर आप लोग स्ट्रेस फ्री एंट्री चाहते हो तो 130 रुपये के आसपास आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेके कुछ दिन और वेट करना चाहते हो तो हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को 120 रुपये के भाव पे मिल जाए। ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है, ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर डिसीजन है आप लोग क्या वेट करोगे या तो फिर 130 रुपये के आसपास एंट्री प्लान करोगे, ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लान कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है इस कंपनी में। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में, वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा सिर्फ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी है और यहाँ पे आप लोगों को वेट करना है फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन। हो सकता है कंपनी 130 रुपये के लेवल से रिवर्सल कंफर्मेशन शो कर दे और ये भी हो सकता है कि कंपनी 120 रुपये के सपोर्ट से रिवर्सल शो करे। जहाँ से भी रिवर्सल शो कर रही है कंपनी, रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को ट्रेड में एंटर करना है फॉर द अपर टारगेट। अगर 120 रुपये से रिवर्सल कंफर्मेशन हो रही है तो फर्स्ट टारगेट होगा 130 रुपये का, सेकंड टारगेट 142 रुपये का होगा। और वहीं पर अगर 130 रुपये के सपोर्ट से कंपनी रिवर्सल शो करती है तो फर्स्ट टारगेट होगा 142 का, सेकंड टारगेट होगा 152 का, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे सभी के सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, कहीं पर नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।